CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है। खुरदुरा और चिकना आलेख यूसुफ पापा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। बच्चों नमस्ते। सिलबट्टे खुटवा लो सिलबट्टे, सिलबट्टे खुटवा लो सिलबट्टे, सिलबट्टे तो तुम्हारे घर में होंगे ही। अरे हाँ हाँ बाबा, ये तो सब घरों में होते हैं, इनकी क्या जरूरत होती है बच्चों, बताओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ, मसाला पीसने के लिए। अच्छा भाई, सिलबट्टे को छिनाया क्यों जाता है? हाँ क्यों छिनाया जाता है? अरे भाई बताओ ना, क्यों छिनाया जाता है? हाँ हाँ बताओ। हाँ, ये चिकने हो जाते हैं भाई। चिकने होने की वजह से मसाला नहीं पिसता। छिनाने से क्या होता है? हाँ क्या होता है बताओ? सिलबट्टे खुरदरे हो जाते हैं भाई। खुरदरे होने की वजह से मसाला बारीक पिसता है। तो अब समझ गए ना कि सिलबट्टा कैसा होना चाहिए, चिकना या खुरदरा? खुरदरा होना चाहिए। अब एक बात और बताओ, तुम्हारे घर की दीवारें गोबर से लीपी जाती हैं, है ना? वे दीवारें चिकनी होंगी या खुरदरी? यानी कि गोबर से लीपी दीवारें चिकनी होंगी या खुरदरी? हाँ हाँ खुरदरी होंगी। अब मोहन का सिर उस तरह से मुड़वा दिया गया और दूसरे दिन उसके सिर पर हाथ फेरिए तो कैसा लगेगा बताओ? हाँ हाँ उसका सिर हाथ फेरने पर खुरदरा लगेगा। अब खद्दर के कपड़े पर हाथ फेरिए और देखिए कैसा लगेगा। हाँ खुरदरा। भेड़ के बालों का बना हुआ कंबल कैसा होता है? हाँ खुरदरा। बोरा या टाट का टुकड़ा कैसा होता है? हाँ खुरदरा। जाड़े में कुछ लोगों के हाथ पैर में बेवाई फट जाती है। बेवाई फटने से पैर कैसा हो जाता है? खुरदरा। ईंट को छूकर देखो कैसी होती है? हाँ ईंट कैसी है? खुरदरी। भाई करेला तो देखा होगा, देखा है ना, उसकी सब्जी भी तो खाई होगी। अच्छा वो ऊपर से कैसा होता है? हाँ खुरदरा होता है ना, खुरदरा। देखिए खाट को, देखिए टाट को, देखिए खाट को, देखिए धोबी के बने पाट को, देखिए धोबी के बने पाट को, देखिए
सबके सब में सिर्फ यही है माजरा। या लिपि कोई गोबर से दीवार हो, या लिपि कोई गोबर से दीवार हो, हो करेला या आरी की धार हो, हो करेला या आरी की धार हो, जिसको भी देखिए सबका सब है खुदरा। खुदरा 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 खुदरा। बोरियां देखिए, बोरियां देखिए, ईंट को देखिए, ईंट को देखिए, मोटे खद्दर की छींट को देखिए, मोटे खद्दर की छींट को देखिए, जिस वक्त भी मैंने उन पर हाथ धरा। हो धरा हो धरा हो धरा हो धरा। बताओ बच्चों, तुम्हारे पास पेंसिल तो होगी? हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, वो खुरदरी है या चिकनी? चिकनी। चिकना उसे कहते हैं जिस पर हाथ फिसले। बच्चों, तुम अपने सिर में तेल तो डालते ही होगे, क्यों? अब भाई कौन कौन बच्चे सिर में तेल डालकर आए हैं? हाँ जरा हाथ तो उठाओ। हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा अब हाथ नीचे कर लो। अब ये बताओ, तुमने जब तेल को छुआ तो तेल कैसा लगा? हाँ चिकना। तुम्हारा हाथ कैसा हो गया? चिकना हो गया। अब एक बात और बताओ, तुम्हारे गांव में रेत ही रेत है या कहीं चिकनी मिट्टी भी है? हाँ हाँ बताओ बताओ, चिकनी मिट्टी भी है या रेत ही रेत है? भाई कहीं होगी कहीं नहीं होगी। अब पानी बरसा तो मिट्टी भीगी, और भीगी हुई चिकनी मिट्टी पर तुम जल्दी जल्दी चले तो क्या होगा? बताओ बताओ, चिकनी मिट्टी पर चलोगे तो क्या होगा? अरे गिरोगे धड़ाम से। क्यों गिरोगे ना? हाँ भाई, पैर फिसलने से गिरोगे। पर पैर क्यों फिसला सोचो और बताओ। भीगने से मिट्टी बहुत चिकनी हो गई थी, इसीलिए पैर फिसल गया। चिकना 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 चिकना। तेल जो कॉफी पर गिर जाए, कागज के ऊपर जो फिर जाए, फिर मुश्किल है उस पर लिखना सारा कागज। चिकना 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 चिकना। सिर मुड़वा कर जब तुम आओ, फौरन उस पर तेल लगाओ, फिर मुश्किल है बाल का दिखना सारा सिर है। चिकना 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 चिकना।
चिकनी मिट्टी उस पर चलना गुम हो सिट्टी खेल नहीं है पाँव का टिकना सारा रास्ता चिकना 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 चिकना। अच्छा भाई अब एक कहानी सुनो। एक थी रानी, बड़ी से रानी। उसने कहा कि यहाँ से पूरब की ओर एक सुनसान गांव है जिसमें एक पक्का मकान है। मकान में कोठरी है, कोठरी में संदूक है और संदूक में चांदी का कटोरा है। जो कोई कटोरे को लाए बस वो मुझसे ब्याह रचाए। बहुत से आए, बहुतों ने कोशिश भी की पर कोई कटोरा नहीं ला सका, वहां पहुंच ही नहीं सका। एक राजकुमार आया और उसने फरमाया, मैं कटोरा लाऊंगा, अकेला ही जाऊंगा। उस गांव में आने जाने के लिए एक दिन से कम समय ही लगता था, लेकिन बात ये थी कि उस रास्ते में पहले रेगिस्तान पड़ता था और फिर शीशे की तरह चिकनी मिट्टी थी जिस पर पांव पड़ते ही आदमी फिसल का धड़ाम से गिरता था। अब भाई वो राजकुमार रेतीली जमीन पार कर चुका, तब चिकनी जमीन आई, पांव रखा और धड़ाम से गिरा। किसी तरह खड़ा हुआ, फिर गिर गया। अब उसे एक तरकीब सूझी। वो मुट्ठी भरकर रेत लाया, रेत उसने जमीन पर डाल दी। अब चलकर देखा तो आसानी से चल पाया। बस अब तो उसने रेत की एक गठड़ी बांधी, गठड़ी लेकर आगे चला। थोड़ी थोड़ी रेत फेंकता जाता और उस पर चलता हुआ आगे बढ़ता जाता था। अब रेत से जमीन की चिकनाहट खत्म हो गई थी। राजकुमार गांव तक पहुंच गया, उस मकान में पहुंचकर कटोरा ले लिया और उसी रास्ते फेंकी हुई रेत पर होता हुआ आसानी से वापस आ गया। कटोरा रानी को दे दिया और रानी ने उस राजकुमार से ब्याह किया। अच्छा बच्चों ये बताओ कि वो राजकुमार जमीन पर पहले क्यों नहीं चल पाया था? हाँ बताओ, वो उस जमीन पर क्यों नहीं चल पाया था पहले? हाँ, जमीन चिकनी थी। तो फिर वो किस तरह चल पाया? हाँ, किस तरह चल पाया? भाई रेत से जमीन को खुरदरी करके। हाँ तो भाई अब हम भी चलते हैं। नमस्ते। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।